हमारे मन में भी चाहत बढ़ गई कि हम भी अपना परिवार बनाएं। भैया, हो सकता है हमसे कुछ गलती हो गई हो, पर हमारा इरादा बिल्कुल पाक साफ है। शालू ने आपको बताया ही होगा, हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनना चाहते हैं। पर बिना आपकी सहमति के नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं। आप जैसा आदेश देंगे वैसा ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि उसमें भी हमारी कुछ भलाई ही छुपी होगी, क्योंकि आप शालू का और हमारा अहित कभी नहीं चाहेंगे। भैया, आप अगर इस बात से नाराज हैं तो हमें माफ कर दीजिए, छोटा भाई समझ के माफ कर दीजिए, हम आपसे कभी शिकायत नहीं करेंगे। एक प्रार्थना करें भैया। हाँ बोलिए। भैया, आप शालू के लिए एक बढ़िया सा लड़का देखकर उसकी शादी जरूर करा दीजिएगा। सम्राट को लेकर मन में कोई भ्रम मत पालिएगा। आपको सम्राट के बारे में सब पता है? हाँ, शालू ने हमको सब बता दिया है, कुछ भी नहीं छुपाया है। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है भैया, उसे अब एक नए सहारे की जरूरत है, जिसके साथ वो अपनी जिंदगी का एक नया सफर शुरू कर सके। हमारे लिए आप जैसा आदेश देंगे हम करने के लिए तैयार हैं। आप कहेंगे तो हम हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अगर हमें बड़े भाई की जरूरत होगी ना भैया, तो हम आपका हाथ पकड़ने जरूर आएंगे। दीपक बाबू, हम यहां आपसे शिकायत करने या फिर नाराजगी दिखाने नहीं आए हैं, बल्कि हम तो खुद आपके यहां एक याचक बनकर आए हैं। हमारी बहन की खुशियां अब आपके हाथ में है दीपक बाबू। बड़ा मुश्किल से वो डॉक्टर से उसके आंख के ऑपरेशन का सफलतापूर्वक होने का बात हुआ है। हमारी बहन की आंखों की रोशनी वापस आ सकती है दीपक बाबू। ये तो बहुत ही खुशी की बात है भैया, बोलिए इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखिए दीपक बाबू, हम आप लोगों के प्यार के खिलाफ नहीं हैं। अलबत्ता हमने शालू को इतने दिनों बाद पहली बार इतना खुश देखा है। और यकीन मानिए, उसका खुशी ही हमारे लिए सब कुछ है। हम आप दोनों का शादी कराने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन लेकिन जरा सोचिए दीपक बाबू, अगर अगर आप दोनों में से किसी की भी आंखों की रोशनी वापस आ जाए तो क्या आप लोगों का जीवन सरल नहीं हो जाएगा? हम तो यह चाहते हैं कि आपकी भी आंखों की रोशनी वापस आ जाए। पर आप जन्म से अंधे हैं, लेकिन लेकिन हम आपकी आंखों की रोशनी वापस लाने का पूरा कोशिश करेंगे। भैया, आप जो कहना चाहते हैं बेझिझक कहिए। दीपक बाबू, हम आप ही शालू को मना सकते हैं,
उसने हमारी बात मानने से मना कर दिया है। वो ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती है। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? हाँ दीपक बाबू, वो आपका साथ पाने के लिए अपने आंखों की रोशनी वापस पाना नहीं चाहती। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, उसे मना लीजिए। हमारी बहन की खुशियां अब आपके हाथ में है दीपक बाबू। भैया प्लीज, हमको शर्मिंदा मत कीजिए। शालू की आंखों की ज्योति वापस आएगी भैया, जरूर आएगी। वो ऑपरेशन के लिए मना नहीं कर सकती, मना नहीं कर सकती भैया। उसे ऑपरेशन कराना ही होगा। शालू की जिंदगी में फिर से बाहर आएगी भैया, उसे ऑपरेशन कराना ही होगा, कराना ही होगा। फिर नेक काम में देरी का है। आप हमारे साथ चलिए अभी। देखिए, आप हमारे घर कभी नहीं आए हैं, इसी बहाने हमारे घर भी आ जाएंगे और हमारे सामने आप उसे मना भी लेंगे। अभी? हाँ अभी। देखिए दीपक बाबू, शालू बहुत जिद्दी है, अगर देरी हो गया तो बात को टाल जाएगी। फिर समय भी नहीं है, उसको लेकर चेन्नई जाना है। और अगर ऑपरेशन का समय एक बार निकल गया तो फिर पता नहीं डॉक्टर का कब अपॉइंटमेंट मिलेगा। प्लीज आप अभी चल के उसको मनाइए। ठीक है, चलिए। शालू, इडली कैसी बनी है? बढ़िया भाभी। और तुम? नहीं। शालू, देखो तो सही हमारे घर कौन आए हैं। कौन भैया? हमारे पड़ोसी दीपक जी। दीपक जी यहाँ? भैया कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? शालू, तुम का समझी थी तुम्हारे भैया तुम्हारी खुशियों के आड़े आएंगे, कभी नहीं। हाँ, हम इससे एक बार मिलना जरूर चाहते थे। और हमको तुम्हारा पसंद पर नाज है शालू, ये तो बहुत अच्छे हैं। एक ही मुलाकात में इन्होंने हमारा दिल जीत लिया है। इनसे मिलके तो ऐसा लगा कि जैसे हमारे छोटे भाई हैं। शालू, हमको तुम दोनों का रिलेशनशिप से कोई इतराज नहीं है, बल्कि हमको तो खुशी है कि तुमने अपने लिए इतना बढ़िया, इतना सुलझा हुआ जीवन साथी चुना है। थैंक्स भैया, हम तो बहुत डर रहे थे, पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करेंगे, पर आपने तो सब कुछ इतनी सहजता से। थैंक्स भैया। अरे पगली, तुमरे भैया हैं हम, तुमरा खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है शालू, समझी। अब देखो ये दीपक जी क्या कहना चाहते हैं। शालू जी। जी शालू जी, आपने भैया को मना क्यों कर दिया? हमने क्या मना कर दिया? यही कि आप अपनी आंखों का ऑपरेशन नहीं कराना चाहती। गलत बात है, भैया हमारे बारे में क्या सोचेंगे? बोलो। हम चाहते हैं कि आपकी आंखों का ऑपरेशन हो, आपकी रोशनी लौट आए, आप फिर से देखें। नहीं, हमें ऑपरेशन नहीं कराना, हमें ऐसे ही रहना है, बिल्कुल बिल्कुल आपकी तरह। अंधेरा
अंधेरा अब हमें अच्छा लगने लगा है। पागल मत बनिए, भैया ने हम दोनों को सारी जिंदगी एक साथ जीने की परमिशन दे दी है, फिर क्या आप हमारी खुशी नहीं चाहती? ऐसा मत बोलिए। तो और क्या बोले, आपकी रोशनी आ जाएगी तो हमें कितनी खुशी मिलेगी, आपने सोचा है? आप देख सकेंगी तो आपका हाथ पकड़कर मैं आराम से कहीं भी आ जा सकूंगा, कितनी सहूलियत हो जाएगी हमें, हमारा सहारा बन जाएंगी आप, हाँ? सोच के देखिए, मान जाइए शालू जी, अपने लिए ना सही तो हमारे लिए ही मान जाइए, आखिर अब हमें साथ ही तो रहना है, हम दोनों की जिंदगी आसान हो जाएगी। मान जाओ शालू, दीपक एकदम सही कह रहा है, जिंदगी बहुत बड़ी है शालू, एक की आंखों की रोशनी रहेगी तो किसी भी मुश्किलों से तुम दोनों बड़ी आसानी से निकल पाओगे। हाँ शालू, आज दीपक जी को तुम्हारे सहारे की जरूरत है, वो अब तुम्हारी आंखों से दुनिया देख सकेंगे, खूबसूरत दुनिया का एहसास तुम उन्हें करा पाओगे। ठीक है, हम ऑपरेशन कराएंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है बोलो। भैया, जब हमारी आंखें खुलेंगी तो हम सबसे पहले अपने सामने दीपक जी को देखना चाहेंगे। बस, अरे भाई, तो इसमें किसी को क्या ऐतराज होगा, इसमें तो उल्टा खुशी ही होगी। क्यों दीपक बाबू, आप रहेंगे ना? हाँ भाई साहब, बिल्कुल रहूंगा, आप तैयारी कीजिए, इनको ले जाइए। हमको स्कूल से छुट्टी लेना पड़ेगा, सब कुछ अचानक हो गया ना, हम छुट्टी लेकर ऑपरेशन वाले दिन या जिस दिन पट्टी खुलेगी उस दिन पहुंच जाएंगे। नहीं, आपको हमारे साथ ही चलना होगा। शालू जी, हम बोले ना हम आ जाएंगे, बस एक दो जरूरी काम हैं, उन्हें निपटाकर हम पहुंच जाएंगे। थैंक्स दीपक बाबू, आपकी वजह से इसने हाँ किया है, जब इसने मना किया था तो हम तो बिल्कुल टूट ही गए थे, बिल्कुल निराश हो गए थे। थैंक्स। भैया, इतना थैंक्स कहिएगा तो हमको एक और बड़ा घर लेना पड़ेगा सारा थैंक्स रखने के लिए। इनका ब्लड प्रेशर तो बहुत लो है, क्या हुआ था इनको? पता नहीं, अचानक काम करते करते गिर गए। लेकिन इतनी कमजोरी में काम करने की क्या जरूरत थी? मुझे तो लगता है कई दिनों से शायद इन्होंने खाना भी नहीं खाया। हाँ डॉक्टर, दो तीन दिनों से इन्होंने खाना नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया। क्यों? पता नहीं क्यों, इन्हीं से पूछिए। माँ जी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? इतने लो बीपी में कुछ भी हो सकता है, जान का खतरा भी। माँ जी, ये दवाई लेके पानी पी लीजिए, फिर तुरंत खाना भी खाना है आपको, लीजिए। नहीं,
ना ही हम दवाई खाएंगे ना ही पानी पिएंगे। पर क्यों माई तू काहे जिद करता रहो, तारा कुछ हो जाए ता प्लीज दवाई खा ला। जब ले तू हाँ नहीं कर पा हम कुछ भी नहीं खाएंगे, दवाई भी नहीं। माई ये हमारा आखिरी फैसला बा। बेटा अब सब कुछ तोहरे ऊपर बा। ठीक बा माई तू जैसन कहबू हम करब, तू दवाई खा ला। डॉक्टर आप दवा दीजिए। नहीं पानी पिया। पर तू अपने बात से पलटता नहीं जाएगा ना? अरे ना ही पलटा माई, बोल तो दे नहीं, तू दवाई खा। शानू के बिना, उसके बिना हम नहीं रह सकते। मेरी छड़ी मेरा सहारा शानू ही बनेगी। क्या करूं क्या करूं मैं? ठीक है मैं ये शहर छोड़ दूंगा, हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से दूर चला जाऊंगा, दूर बहुत दूर।